छोटा बना लेती है कि सीधा क्वांटम रियल में पहुंच जाती है और यहाँ उसके सामने ऐसे हैं जो कि उसने और हमने पहले कि कुछ ऐसे क्रीचर में जिसके बाद सीन ही कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है स्कॉटलैंड जो कि प्रेजेंट टाइम में अ सुपर हीरो पूरे शहर के अंदर फेमस हो चुका था लोग उसके ऑटोग्राफ्स लेते थे फोटोग्राफ्स खिंचवाते थे इसी के साथ साथ कुछ भी खरीदारी पर उसका बिल फ्री कर दिया करते थे और जिस जगह पर स्कॉट पहले काम किया करता था वहां पर भी उसकी फोटो लगा दी जाती है वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं होप को जो कि इस वक्त अपनी रिसर्च कर रही थी पार्टिकल्स पर पर ताकि उस पर और ज्यादा रिसर्च करके देशों दुनिया को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके वही आ जाता है स्कॉटलैंड और ये दोनों बियर पीने के लिए शहर के सबसे बड़े ब्रिज के सबसे ऊपर जाकर बैठ अपना टाइम स्पेंड करते हैं वाह लाइफ हो तो ऐसी इसी के साथ साथ स्कॉट लैंग ने अपनी एक बुक भी पब्लिश करी थी जिसका नाम होता है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय और वो यहाँ सामने बैठी ऑडियंस के सामने अपनी ही बुक को रीड करके बता रहा था उसके फोन पर कॉल आता है है पुलिस पुलिस स्टेशन स्टेशन से और जब और जब स्कॉट होप पहुंचते हैं तो ने पता चलता है कि इनकी बेटी केसी पुलिस वालों के साथ लफड़ा कर रही थी और इसी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था और जाते जाते वो पुलिस वालों को उनकी बड़ी कार का छोटा रूप भी पकड़ा कर जाती है की जाओ एंजॉय करो इस बात से स्कॉट को बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी बुरे

काफी सालों तक मेहनत करते हैं उस न्यूरोकाइनेटिक पावर को रिचार्ज करने की ताकि अगर वो कोर रिचार्ज हो गया तो अपने मेरी मशीन रिपेयर हो गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी वक्त में वापस भेज दूंगा जहाँ पर तुम अपने बीते लम्हों को फिर से बिता सकती हो जिसे सुनकर जेनेट काफी खुश हो जाती है और उसकी पूरी दिल से हेल्प करने में लग जाती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये उस क्रिस्टल ऑर्ब को रिचार्ज कर देते हैं जिसके अंदर न्यूरोकाइनेटिक पावर थी कैंग के इस स्पेस शिप में कोई भी कंट्रोल नहीं थे क्योंकि ये शिप उसके दिमाग से चलता था और जैसे ही जेनेट उस डिवाइस को छूती है तो वो कैंग की यादों को देख पाती है जहाँ पर कैंग ने कैसे बाकी यूनिवर्स को तबाह कर दिया और हो सकता है की उसका अगला निशाना पृथ्वी ही हो इस वजह से जेनेट घबरा जाती है और उसके इस डिवाइस में से उस क्रिस्टल ऑर्ब को निकाल देती है कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने उस डिवाइस यानी कि क्रिस्टल ऑर्ब को वापस पाने

और वो उससे डरते भी थे इतने साल यहाँ रहने के बाद में कैंग ने अपनी इस सजा को ही अपनी सल्तनत बना दिया उसने अपनी पावर्स को यहाँ के लोगों में बांटा और फिर एक बड़ी सिविलाइजेशन तैयार करी जिसे ब्लू ग्रुप भी कहा जाता है इस क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के लिए उसे अपने कोर को वापस पाना था जो की इस वक्त साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसे छोटा किया जा सकता था सिर्फ और सिर्फ पिम पार्टिकल की मदद से हालांकि जेनेट तो उसकी पकड़ से बाहर जा चुकी थी मगर जब किसी ने क्वांटम में कुछ मैसेजेस भेजे तो मोडॉक ने उसे डिटेक्ट कर लिया और कैंग कॉन्करर के कैद तो जीत हासिल करता है और कई सारी यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर देने के बाद में उसे नाम मिला कैंग यानी कि पूरा मिलकर कैंग दर वेल उसका स्कॉट से कहना था कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे पिम पार्टिकल से इस पूरे

घंटे से भी ज्यादा चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि तो सिर्फ सिर्फ कर so, आ जाती है जो की हमने शुरुआत में बॉक्स में देखी थी जो की न्यूरो सिविलाइजेशन पर काम कर रही थी जब डिवाइस के खुल जाने पर ये सभी उसमें खिंच जा रहे थे तो ये चीटियां भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी लेकिन जिस जगह पर ये पहुंची थी वहां पर ही कुछ ही समय में हजारों साल बिताकर आई जहाँ पर यह अपने आप से मेंटली और फिजिकली डेवलप हो गई इसी के साथ साथ चीटियों, चीटियों ने हैंक के यहां पर होने पर उसे ही लिया। क्योंकि इन चीटियों को तो पिता परमात्मा था खैर यहाँ पर अगेन बहुत तगड़ी फाइट होती है और ये सभी चीटियाँ मिलकर की कंक्रीट अलग अलग कर देती है इसी बीच मॉडॉक भी होता है जो की केसी के साथ फाइट कर रहा था लेकिन केसी से समझाती है कि चंपू मत बनो असली

को कुछ हो ना जाए इसीलिए होप उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अगेन क्वांटम पति पत्नी फंस जाते हैं है। तो है। जा है, है। और नेक्स्ट पार्ट में उनको निकालने की पूरी प्लानिंग चलती है मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ वहीं के वहीं उसी मूवी में ऑन द स्पॉट केसी ने अपनी मशीन को ऑन करके वहां सिग्नल्स भेजे और न्यूरोकाइनेटिक पावर से ये दोनों ही वापस से क्वांटम रियल से अपने डायमेंशन में आ सके अर्थ सिक्स जीरो सिक्स मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि पूरी फैमिली एक हो चुकी थी और स्कॉट अगेन अपनी रूटीन लाइफ में पहुंच चुका था जहां पर सभी लोग उसे बीइंग अ सेलिब्रिटी मानते थे और एवेंजर का दर्जा भी देते थे और उसकी वापस से कुल लाइफ में उसे मजा आ रहा था और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही पर खत्म होती है और अब जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे यानी कि इसका मिड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट जिसने पर्सनली इस पूरी मूवी में एक नई जान फूंक दी मतलब जो लोग बोर भी होंगे इसे देख ले लेने के बाद में तो उनका दिमाग खुल गया जाते जाते कुछ तो होगा तो उन्हें स्पेशल उनके यूनिवर्सिस कहीं तबाह ना हो जाए इसीलिए उन्होंने कैंग को क्वांटम रियल में ही फंसा दिया था लेकिन उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सामने मल्टीवर्स का

संद है और तो ऐसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अब आगे मैं इन मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन्स पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आने वाला हूं सो so, तब तक के लिए कीप वाचिंग स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में